भोजपुरी के सुपरस्टार हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। कभी अपनी फिल्मों को लेकर के, कभी अपनी गानों की वजह से हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। लेकिन इस बार भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अलग वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की सभा में भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अचानक बंदूक लेकर के पहुंचे, जहां देखते ही देखते बवाल मच गया। खेसारी को बंदूक के साथ देखकर लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया और हड़कंप मच गया। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची और खेसारी से बंदूक को जब्त किया और खेसारी को अपने साथ ले गई। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाना आसान नहीं होता, उसमें भी मुख्यमंत्री के सामने बंदूक लेकर खड़ा हो जाना ये बेहद चौंकाने वाला था। जिस तरीके से खेसारी लाल यादव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई, जहां वो मुख्यमंत्री के सामने बंदूक लेकर के खड़े नजर आ रहे हैं, उससे कई तरह के सवाल खड़े हो गए। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव मुख्यमंत्री के पब्लिक मीटिंग के दौरान मंच पर सीधा बंदूक लेकर पहुंचे और मुख्यमंत्री के सामने बंदूक तान दी, जिसे देखकर मुख्यमंत्री खुद भी आवाक रह गए। उसके बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने खेसारी लाल यादव के हाथों से बंदूक को जब्त किया। इस दौरान खेसारी लाल यादव हंसते नजर आए। अब इस पूरे तस्वीर को देखकर के आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर खेसारी लाल यादव को मुख्यमंत्री के सभा में बंदूक लेकर के क्यों पहुंचना पड़ा, आखिर ऐसा क्या हुआ। तो आपको बता दें कि ये पूरा मांजरा सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म अवैध का है, जिसकी शूटिंग यूपी के सोनभद्र जिले में हो रही है। इस फिल्म में मुख्यमंत्री की भूमिका में भोजपुरी के सबसे बड़े फिल्म प्रचारक रंजन सिन्हा नजर आ रहे हैं। रंजन सिन्हा इस फिल्म में मुख्यमंत्री रंजन ठाकुर का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं, जिनके सामने खेसारी लाल यादव बंदूक लेकर आ जाते हैं। फिल्म के सेट से ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और सभी लोग खेसारी को इस तरीके से देखकर हक्के बक्के रह गए। आपको बता दें कि रंजन सिन्हा भोजपुरी फिल्मों के प्रचारक के रूप में एक ट्रेंड मार्क की तरह जाने जाते हैं, जिन्होंने कई अवार्ड शो में बेस्ट फिल्म प्रचारक का अवार्ड हासिल किया और अब वो इस फिल्म में अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे। रंजन सिन्हा पहले भी कई फिल्मों में अलग अलग किरदार निभा चुके हैं और एक बार फिर लंबे समय के बाद खेसारी लाल यादव के साथ फिल्मी पर्दे पर वापसी कर रहे हैं और अवैध में मुख्यमंत्री की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर रंजन सिन्हा ने कहा कि फिल्म अवैध एक बेहतरीन पटकथा पर आधारित है, जिसमें मेरा किरदार मुख्यमंत्री रंजन ठाकुर का है। आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्म अवैध का निर्माण राजघरान फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें से ये तस्वीर निकल करके सामने आई है। इस तस्वीर को देख करके पहले तो लोग हक्के बक्के रह गए, लेकिन इस तस्वीर की असली सच्चाई क्या है वो हमने आपको बताया कि आखिर मुख्यमंत्री के सामने खेसारी लाल यादव बंदूक लेकर के क्यों पहुंचे। ये एक फिल्म का सीन था जो शूट से तस्वीरें सामने आई और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।